दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर इस वीडियो के अंदर आपको जानकारी उपयोगी लगे तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और आगे भी इसी प्रकार से सारी उपयोगी जानकारी सरल भाषा के अंदर, हिंदी के अंदर पाते रहें। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, 3 मार्च 2019 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी की जारी की गई थी और उसके बाद में उत्तर कुंजी में किसी प्रकार की भी अगर आपत्ति है तो उसमें दिनांक 7 मार्च 2019 तक उन्हें आपत्तियों को आपसे मांगा गया था। तो जो आपत्तियां प्राप्त हुई BMOU के अंदर, उसके आधार पर जो उत्तर कुंजी जारी की गई थी उसमें एक रिवीजन किया गया है और आज यानी कि 11 मार्च 2019 को ये रिवाइज और फाइनल आंसर की RSCIT एग्ज़ाम के लिए जारी कर दी गई है। इसमें मुख्य रूप से दो क्वेश्चन हैं जिनके अंदर बदलाव हुआ है। मैं आपको दोनों क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ। इसमें एक क्वेश्चन है जिसमें जो सही उत्तर था उसका जो विकल्प था उसको बदल दिया गया है और दूसरा जिसके अंदर दो विकल्पों को सही माना गया है। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे भी इसी प्रकार का एनालिसिस मिलता रहेगा आपको। आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जिसमें बदलाव हुआ है वो है सेट ए का क्वेश्चन नंबर 3, जिसका टेक्स्ट ऐसा था कि निम्न में से कौन सा रोम का एक प्रकार नहीं है। इसमें 4 विकल्प दिए गए थे और इससे पहले जो पहले की जारी की गई थी उसमें ऑप्शन डी को सही माना गया था कि उपरोक्त में से कोई भी नहीं। अब उत्तर कुंजी में संशोधन कर दिया गया है और ऑप्शन बी और डी दोनों को सही मान लिया गया है। अब इसको सही क्यों माना गया, क्योंकि ई रोम जो होती है वो भी कोई रोम का एक प्रकार नहीं होती, साथ ही साथ उत्तर जो डी है उपरोक्त में से कोई नहीं ये भी एक रोम का प्रकार नहीं है। अतः ये उत्तर बी और डी दोनों को अब उत्तर सही उत्तर मान लिया गया है और की उसी हिसाब से रिवाइज कर दी गई है। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न है सेट ए का क्वेश्चन नंबर 29 है, जिसमें PDF का पूरा नाम क्या है ये पूछा गया था। जो पहले की जारी की गई थी उसमें ऑप्शन सी को सही बताया गया था, यानी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, लेकिन अब इस क्वेश्चन का उत्तर रिवाइज कर दिया गया है। आपको बताना चाहूँगा कि PDF जो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल था उस उत्तर को गलत मानते हुए जो ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई भी नहीं इसे सही उत्तर माना गया है, क्योंकि इसका सही जो नाम होता है वो होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसलिए ये इस क्वेश्चन का जो विकल्प था सही उत्तर का वो बदल दिया गया है। तो दोस्तों, ये दो बदलाव थे मेजर, जिसकी वजह से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और आप ज़रूर इसकी मदद से आपको RSCIT के अंदर जो परीक्षा है पास होने में आपको सहायता मिलेगी। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगले कुछ दिनों के अंदर रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद में ऑनलाइन रिजल्ट भी आएगा जिसको कि आप वेबसाइट पर देख सकते हैं और ई सर्टिफिकेट वगैरह की सुविधा का भी पूरा लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारा ये वीडियो